हाँ भाई लोग, कैसे हैं सबके साथ। नमस्कार, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है गोपाल। और गाइस, आज का ये वीडियो में एसकेचुअर का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्विक फाइल मैनेजर। ओके, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते जाइए। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसका अंदर कुछ बहुत कुछ लर्निंग कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन के लिए, अपना प्रोजेक्ट के लिए। ओके, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। गाइस, ये रहा क्विक फाइल मैनेजर, इसका आइकॉन को आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी इसको मैं आपको रन करके, इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा है गाइस, ये बस एक प्रोजेक्ट है। आप इसको, इसका अंदर ये कैसे बनाया गया है आप देख करके सीख सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का आइडिया। इसको मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, और जो नया भाई लोग हैं एसकेचुअर में ऐप डेवलपिंग सीख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल में जाइए। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में हर तरह का वीडियोस मिल जाएगा। आप देख करके, सीख करके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है गाइस, तो अभी ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये अलाउ मांगता है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है इसका। गाइस, इसका इंटरफेस देखिए, आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, देख लीजिए। इसको हम बैक कर देंगे। उसके बाद आपका क्लाउड स्टोरेज, ये देख लीजिए, जैसा एक मतलब फाइल मैनेजर में रहता है, यहाँ पे ऑडियो का सिस्टम दिया गया है, तो बराबर यह है यहाँ पे ऑडियो का। उसके बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है शायद मेरा मोबाइल में। उसके बाद एपीके, बहुत सारे एपीके है। जिप फाइल देख लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे जिप फाइल है। उसके बाद आता है वीडियोज़, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी दिया गया है। और फ़ोटोज़ में देख लेते हैं, हाँ फ़ोटोज़ भी बहुत सारा है यहाँ पे। तो गाइस, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको हम अपलोड कर देंगे इसके शेयर में। ठीक है, इसमें हम इसको अपलोड कर देंगे। चलिए अपलोड कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे। ओके गाइस, इसको भी हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये अपलोड हो रहा है गाइस। और ये जो एसकेचुअर एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका बारे में पता करने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको इसका बारे में पता चल जाएगा। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 154, यहाँ पर आपको क्विक फाइल मैनेजर का ये वाला आपको प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल आपको इसको इंपोर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, कुछ लर्निंग कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट के लिए। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आपको किस रिलेटिव आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप हर सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की और आपके रिलेटिव वीडियोस बनाने की। और हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, घंटी बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छा वाला वीडियोस इसी चैनल में आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ। नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बटन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस, सॉरी याद करके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।